शख्सियत तो वंडरफुल मैन जी, इट वॉज वेरी नाइस मैन, बड़ा पोलाइट हम्बल, और कोई शो नहीं, कोई कुछ नहीं कि मैं ये हूँ या मैं हूँ, क्योंकि मैं वो कदीर खान हूँ जिसको लोग जानते हैं, नेवर, बिल्कुल, बल्कि आम आदमी की तरह मिलना और आम आदमी के सबसे मिलना जुलना, बड़े प्यार मोहब्बत वाले खलूस करके। और वो आदमी थे कि जो बरामदे में बैठते, असर इनके होता था असर से लेकर मगरब तक ये बरामदे में बैठते थे। और कोई बंदा जैसे मैं तो जब भी कभी गुजरा हूँ ना तो थोड़ा मैंने वे किया, अकबर भाई आ जाओ, इन्होंने हमेशा ही अंदर बुला लिया, अकबर भाई आ जाओ, कोई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट मेरे साथ बैठ के गप शप लगानी, वो उनका शौक़ होता था कोई ना कोई आ जाए तो उनके साथ इन्होंने, तो मेरे साथ एक बहुत ही तकरीबन 40 साल एक बड़ा अच्छा तल्लुक रहा है पड़ोसियों की तरह। गांव में भी दो दफ़ा गए हमारे घर, एक दफ़ा भी गए, दो साल बाद भी दो दफ़ा गए हमारे। बहुत बड़ा नुकसान है उनकी वजह से, बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं मुझे हमेशा बुलाते रहते थे और यहाँ भी कितनी दफ़ा मैं आता रहा हूँ, बहुत मुखलस और जानदार शख्स है, अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात मज़ीद पैदा करे इस मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए। बहरहाल अब दुनिया और जी फतन आखिर ये ख़त्म होने वाली चीज़ है, हर शख्स को यह जायका पर चखना पड़ेगा। बहरहाल ये बहुत कीमती और अजीम इनकी इस मुल्क और कौम को, उम्मत मुस्लिमों को जरूर बाहर अल्लाह का, अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं उसमें भी बेहतरी है। ये पुराना पड़ोसी मैं हूँ, तो कोई कह ले कि तकरीबन 39 ईयर्स बैक व्हेन आई केम हियर, बल्कि 40 ईयर्स बैक 81 में मैंने शुरू किया था घर यहाँ बनाना। डॉक्टर साहब का घर मौजूद था, खाल खाल घर थे यहाँ, 8-10 घर थे टोटली 7 में, उनमें से डॉक्टर साहब का भी घर था। तो चूँकि मैंने शुरू किया तो डॉक्टर साहब भी ज़ाहिर तशरीफ़ लाए, तो इनके साथ बड़ी दोस्ती हो गई, गपशप हो गई, थोड़े हम चूँकि लोग रहते थे तो तब से मेरा एक तल्लक इनके साथ बहुत ही खूबसूरत यानी यादों वाला तल्लक इनसे चला आ रहा है। जी जी जी, देखते रहे, मुझे पता चला, मुझे अफसोस हुआ, फिर मैंने कॉल किया, इनके दोनों नंबर जो मेरे पास थे उन पर कॉल किया, तो एक नंबर पर तो बल्कि रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, फिर मुझे वापस कॉल बैक किया डॉक्टर साहब ने शाम को, अकबर भाई आपने कॉल की थी, और इनकी आवाज़ उनसे बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीफ आवाज़ में वो बात कर रहे थे। तो लेकिन आप परसों मेरी बात उनसे हुई है, यानी मैं बता रहा हूँ 3-4 दिन पहले सिर्फ उन्होंने मुझे एक लिख के भेजा था कि ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है मेरी बेटी बीना के लिए, तो वो मैंने उनको बताया कि ये इस तरह प्राइसेस में ये हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बहुत अच्छी लहजे में, बहुत अच्छी कड़कदार आवाज़ में बात कर रहे थे जैसे करते थे। नहीं मेरे से तो कोई नहीं, मैं तो जब पूछा है परसों चौथ तो वो कहते मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ, ये अल्फाज थे उनके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसा उन्होंने कोई मुझे नहीं